वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो होम रेमेडी मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस रेमेडी के इस्तेमाल से आप अपने चेहरे के, हाथ पैरों के बालों को मिनटों में रिमूव कर सकते हैं। आज की रेमेडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ना पेन ना दर्द किसी तरीके का, ना पैसा खर्च, और मिनटों में घर की चीजों से ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ये रेमेडी आपके हाथ पैरों, आपके चेहरे के अनचाहे बालों को तो दूर करेगी, साथ ही फ्रेंड्स रेमेडी के इस्तेमाल से आपके चेहरे पर ग्लो भी आने वाला है। इस रेमेडी को आप एज अ टैनिंग रिमूवल पैक की तरह भी अपनी स्किन पर ट्राई करेंगे, अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, पूरी प्रोसेस को जानने के लिए, रिजल्ट अच्छे मिले इसको जानने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे की रेमेडीज देखना यदि आप पसंद करते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो देरी किस बात की, चलिए आइए फटाफट से अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस होम रेमेडी को बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है क्लीन बाउल, और जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट फ्रेंड्स इसमें हम ऐड करेंगे वो है चाय पत्ती। तो यहाँ मैंने एक टी बैग लिया है, उसका जितना भी चाय पत्ती है उसे मैं एक बाउल में ले लूँगी। सो फ्रेंड्स, टी लीव्स जो होती है, चाय पत्ती, वो हमारे जो अनवांटेड हेयर होते हैं उनको सॉफ्ट बना देती है, उनकी रूट्स को वीक करती है, जिसकी वजह से वो आसानी से रिमूव हो जाता है। इसमें मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, ये हमारे चेहरे पर ग्लो भी लेके आती है। साथ ही फ्रेंड्स, यदि आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा रैशेज हो जाते हैं वैक्सिंग के दौरान तो उसे भी ये कंट्रोल करती है। तो इसके बाद फ्रेंड्स, इसमें मैं एक चम्मच के करीब ऐड करूंगी शहद यानी कि हनी, जो कि स्किन पर पॉलिशिंग का काम करता है, स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, वैक्सिंग के दौरान स्किन ड्राई होने लगती है तो उस पर भी ये बहुत अच्छे से काम करता है, एंड इसकी स्टिकी पना होने के कारण हमारा अनवॉन्टेड हेयर बहुत आसानी से रिमूव हो जाता है। सो यहाँ चाय पत्ती एंड शहद को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देखेंगे थोड़ी देर टी लीव्स अपनी गुडनेस शहद के साथ छोड़ने लगेगी। तो उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें हम आधा चम्मच के करीब इसमें ऐड करेंगे मैजिकल इंग्रेडिएंट, जो कि है फिटकरी यानी कि एलम। यहाँ मैंने फिटकरी का आधा चम्मच के करीब पाउडर ऐड किया है, जो कि अनवांटेड हेयर की रूट्स पर बहुत अच्छे से काम करता है। ये आपकी स्किन पर टाइटनिंग का भी काम करता है, चेहरे की रंगत को भी सुधारता है, एंड अनवांटेड हेयर को भी बहुत ज़्यादा रूट से वीक बना देता है, जिसकी वजह से वो आसानी से बाहर आ जाता है। सो फ्रेंड्स, इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे जो कि मैजिक की तरह हमारी स्किन पर काम करने वाली है, वो है कोलगेट टूथपेस्ट। तो यहाँ मैं वाइट टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आधा चम्मच के करीब आप ले लेंगे कोलगेट और इसमें इस रेमेडी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, कोलगेट में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि हमारी स्किन को डीपली क्लीन करता है। कोलगेट हमारे अनवांटेड हेयर की रूट्स को भी बहुत ज्यादा वीक बना देता है, जिसकी वजह से अनवांटेड हेयर जो होते हैं, फेशियल हेयर, वो आसानी से डीपली स्किन से निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये रेमेडी आपकी स्किन पर ट्रीटमेंट की तरह काम करने वाली है। कोलगेट के इस्तेमाल से फ्रेंड्स स्किन ड्राई होने लगती है, सो उसकी वजह से ही हमारा जो अनवांटेड हेयर जो होता है वो ब्रिकेज होने लगता है, आसानी से रिमूव हो जाता है। सो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगी, यदि आप अपने फेशियल हेयर रिमूव करना चाह रहे हैं इस रेमेडी के थ्रू, तो आप इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे इनो पाउडर। यदि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इनो पाउडर की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं। यदि आप इस रेमेडी से अपने हाथ पैरों के हेयर को रिमूव करने जा रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी नॉर्मल रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एक मैं आपसे बात और कहना चाहूंगी, यदि आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आप इस रेमेडी से पहले एक छोटा सा पैच टेस्ट करेंगे, एंड उसके बाद ही इस रेमेडी को अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे। तो यहां चुटकी भर मैंने इनो पाउडर जो है इसमें ऐड कर दिया है। ये अनवांटेड हेयर की रूट्स पर बहुत अच्छे से काम करता है, स्किन को डीपली क्लीन करता है। इसमें मौजूद विटामिन सी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो कि पोर्स को बहुत अच्छे से क्लीन करके अनवांटेड हेयर को बहुत आसानी से रिमूव कर देता है। ये रेमेडी आपको किसी तरीके का पेन भी नहीं देगी फ्रेंड्स, और अनवांटेड हेयर को बहुत आसानी से रिमूव कर देगी। बाहर की वैक्सिंग क्रीम जो होती है वो तो सब आप भूल ही जाएंगे जब इस रेमेडी को एक बार ट्राई करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, इस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, धूप बहुत ज्यादा तेज है, ऐसे में यदि हम बाहर जाते हैं तो हमारी स्किन टैन हो जाती है, काली पड़ने लगती है, एंड स्किन पर जलन भी होने लगती है, उस पर भी इस रेमेडी को आप ट्राई करेंगे इनो को रिमूव करके, तो ये एज अ ग्लोइंग पैक की तरह भी आपके चेहरे पर काम करने वाली, आपकी टैनिंग को दूर करेगी एंड आपकी स्किन को काफी ज्यादा फ्रेश बना देगी। तो यहां मैं आपको अपने जो अपर लिप्स वाले हेयर हैं उनको रिमूव करके दिखाने वाली हूँ। हालांकि मेरी ग्रोथ इससे बहुत कम है, क्योंकि इस तरीके की मैं रेमेडी स्ट्राइक करती रहती हूँ, सो उस वजह से मेरी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो गई है। सो आप इसे अपने जहाँ के भी अनवांटेड हेयर को रिमूव करना चाहते हैं उस एरिया पर जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो वहाँ की जो स्किन है उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के लिए आप कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, DIY फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर रोज़ वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कॉटन में थोड़ा सा रोज़ वाटर लिया, एंड मेरा यहाँ फेस एकदम क्लीन है, फेस पर कोई भी
में मेकअप नहीं है, ओनली लिपस्टिक मैंने यहाँ अप्लाई की हुई है। तो रोज़ वाटर की हेल्प से मैं अपने जो लिप के अराउंड जो एरिया है वहाँ को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। आप जहाँ की भी हेयर रिमूव करना चाहते हैं उस एरिया को सबसे पहले क्लीन करेंगे, उसके बाद ही आप इस रेमेडी को अपने फुल फेस पर अप्लाई करेंगे, मीन्स जहाँ के आपको हेयर हटाने हैं। तो यहाँ फिंगर की हेल्प से मैं अपने अपर लिप्स वाला जो एरिया है वहाँ पर इस रेमेडी को अच्छे से लगा लूँगी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप इसे एज अ ग्लोइंग पैक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे फुल फेस पर भी अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई करेंगे तो सेम प्रोसेस है, आपको पूरा चेहरा अच्छे से वॉश कर लेना है, क्लीन कर लेना, उसके बाद इस रेमेडी को आप अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई करेंगे। यदि आपकी स्किन धूप से बहुत ज़्यादा झुलस जाती है, आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा रैशेज हो जाते हैं धूप से आने के बाद घर पर, आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा जलन इरिटेशन फील होने लगती है, तब आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे तो फ्रेंड्स आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा कूल कर देगी, बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील कराएगी आपको ये होम रेमेडी। तो सारी टैनिंग को दूर करेगी, आपके चेहरे की जितनी भी जलन है उसको भी ये दूर करेगी एंड स्किन को बहुत ज़्यादा यूथफुल बनाएगी। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप मेरी तरह जैसा मैं वीडियो में करके दिखा रही हूँ सेकंड फिंगर की हेल्प से इस रेमेडी को अपनी पूरी स्किन पर अप्लाई कर लेंगे। यहाँ टी बैग का इसलिए मैंने फ्रेंड्स इस्तेमाल किया है क्योंकि टी बैग की जो लीव्स होती हैं चाय पत्ती वो बहुत बारीक होती है, जो कि स्किन पर स्क्रबिंग का भी बहुत अच्छे से काम करता है, स्किन को एक्सफोलिएट करता है। यदि आपकी स्किन पर डेड सेल्स वाइट हेड्स की बहुत ज़्यादा समस्या है, जो ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं आपकी स्किन पर, तो उसे भी ये चाय पत्ती है बहुत आसानी से रिमूव करती है एंड अनवांटेड हेयर को की जो रूट्स होती हैं उनको भी वीक करती है। तो इस रेमेडी को आप जब अपनी स्किन पर लगा लेंगे तो 5-7 मिनट के लिए स्किन पर थोड़ा सा ड्राई होने देंगे ताकि ये अच्छे से आपकी स्किन पर काम कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इस मिलती हूँ आपसे इसको ड्राई करने के बाद, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा वरना बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ मुझे 5-7 मिनट हो चुके हैं और ये रेमेडी ड्राई हो गई है। इसको आप रिमूव कैसे करेंगे, आप अपने अपवर्ड डायरेक्शन में, हेयर की अपवर्ड डायरेक्शन में हल्के से प्रेशर के साथ फिंगर की हेल्प से इस रेमेडी को रिमूव करेंगे। सो चाय पत्ती के साथ साथ कोलगेट को जब आप रिमूव करेंगे तो आपके अनवांटेड हेयर जो है बहुत आसानी से रिमूव हो जाएंगे। हो सकता है 1-2 एप्लीकेशन से आपको अच्छे रिजल्ट ना मिले, लेकिन इस रेमेडी को आप रेगुलर ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। सो इस तरीके से रब करते हुए आप इस रेमेडी को पूरा रिमूव कर देंगे तो उसके बाद देखेंगे आपके अनवांटेड हेयर तो रिमूव होंगे ही, स्किन टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, स्किन वाइट लगने लगेगी एंड ओपन पोर्स आपके बिल्कुल डीपली क्लीन हो चुके होंगे। सो इसके बाद फ्रेंड्स, आप जब इस रेमेडी को रिमूव कर लेंगे तो स्किन को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा नॉर्मल पानी से, किसी भी सोप की यहाँ आपको आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, स्किन को नॉर्मल पानी से आप अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने एक हैंकी को पानी में डिप किया, निचोड़ लिया और उसके बाद अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लिया। जैसा कि मैं वीडियो में आपको करके दिखा रही हूँ सेम वैसे ही आपको इस रेमेडी को बनाना है, अप्लाई करना है, तभी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो यहाँ मैंने अपने अपर लिप्स वाले एरिया को फुल फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया एक वेट हैंकी की हेल्प से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप चाहें तो यहाँ नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश भी कर सकते हैं। आप इस रेमेडी को रिमूव करने के बाद किसी भी तरीके का सोप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं एक वेट हैंकी की हेल्प से मैंने अपनी स्किन को कितने अच्छे से क्लीन कर लिया है एंड जैसे ही आप इस रेमेडी को रिमूव करेंगे तो खुद ही देखेंगे फ्रेंड्स स्किन कितनी वाइटन अप होती नजर आएगी, आपको स्किन पर ग्लो आने लगेगा। और जब अनवांटेड हेयर हमारी स्किन पर से आसानी से रिमूव हो जाते हैं तो स्किन पर ऑटोमेटिकली हमारी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो हमें फेयर दिखने लगता है। सो इसके बाद फ्रेंड्स, आप स्किन की टोनिंग करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यहाँ मैं टोनर का इस्तेमाल कर रही हूँ, यदि आपके पास टोनर नहीं है तो आप रोज़ वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन पर अप्लाई करने के बाद स्किन पर ही ड्राई करेंगे, इसे आप बिल्कुल भी पोंछेंगे नहीं। फेस की टोनिंग करना यहाँ इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, उनको मिनिमाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और जिन लोगों को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वो टोनर अपनी स्किन पर ज़रूर अप्लाई किया करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ टोनिंग करने के बाद स्किन को मॉइस्चराइज करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो यहाँ आप अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर लेके जहाँ के आपने हेयर रिमूव किए हैं वहाँ इसे अच्छे से अप्लाई करेंगे एंड हल्की सी मसाज देंगे जिससे कि जो ये क्रीम है आपके पोर्स में चले एंड आपके पोर्स टाइटन अप हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ हेयर रिमूव किए हैं तो पोर्स को टाइटन अप करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो इस तरीके से आप हल्की सी क्रीम लेंगे जहाँ के आपने हेयर रिमूव किए हैं वहाँ पर अप्लाई करके हल्की सी मसाज करेंगे फुल फेस पर भी से। आप जब ग्लोइंग पैक की तरह इस रेमेडी को अप्लाई किए हैं तो फुल फेस की भी आपको टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग करनी है। सो इस तरीके से आप अपना स्किन का ख्याल रखेंगे तो आपकी स्किन यंग टाइट लगेगी। और यदि टाइम से पहले आपका चेहरा बूढ़ा नजर आने लगे, आपके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा फाइन लाइंस, रिंकल्स की प्रॉब्लम होगी, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा दिखाई देने लग गया है, तो इस तरीके से आप इस रेमेडी को ट्राई करेंगे, अप्लाई करेंगे एज अ ग्लोइंग पैक की तरह तो आपका चेहरे का ग्लो बना रहेगा। सो फ्रेंड्स, इस रेमेडी से मुझे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं, आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये होम रेमेडी आप सभी को पसंद आई होगी। सो आप भी अनचाहे बालों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस रेमेडी को जरूर ट्राई करिएगा एंड वीडियो को यहाँ तक देखा है, वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो या फिर वीडियो का कोई भी पार्ट यदि आपको पसंद आया हो
तो प्लीज मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, जरूरतमंदों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड फ्रेंड्स, आप मुझे डेली देखते हैं या फिर चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं विवा इस चैनल पर स्किन केयर से रिलेटेड एंड टेस्टेड होम रेमेडीज आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ। साथ ही कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो को किस शहर से वॉच करें, ताकि मैं भी जान पाऊँ मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच पा रही है। सो फ्रेंड्स, मैं विवा इस वीडियो का यही करने जा रही हूँ एंड जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।